जनाब कयास आराइयाँ, झूठ और गलत बयानी ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त स्टिल कोटरी बैराज पर मौजूद हूँ और उसकी वजह क्या है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्टिल जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो हमें जाननी है। तो मेरे व्यूवर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे लिए अहम है, आप लोग मेरे लिए अहम है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि नो डाउट पानी में इजाफा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 1 सितंबर और जुमेरात का दिन 2022 स्टिल में देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी की सिचुएशन बड़ी है, पानी बढ़ा है जी दरिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त आप अगर मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो पानी का भाव ये नहीं है, पानी का भाव कुछ और था, आज पानी का भाव कुछ और है। मैं आपको एक और जो है वो लोकेशन पे भी लेके जाता हूँ। देखिए मेरा मकसद आपको सच और हकीकत जो है वो बताना है। मैं यहाँ पर आकर थोड़ा परेशान हो गया, मुझे पता चला था कि पानी की सूरत हाल डिक्रीज़ हो गई है, मगर मैं आप सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि पानी की सूरत हाल ज़्यादा हुई है, पानी बढ़ गया है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहता हूँ। इस वक्त मैं कोटरी बैराज पर मौजूद हूँ, मुझे ये सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं था। 2 दिन पहले की जो वीडियो है उससे अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरी इस वीडियो में आप देख लेंगे कि पानी में इजाफा हुआ, और मैं आपको राइट जो लोकेशन है वो भी लेके चलता हूँ। मैं आप देख सकते हैं कि आज 1 सितंबर 2022 मैं कोटरी बैराज पर स्टिल मौजूद हूँ। किस वजह से मौजूद हूँ? आप लोगों की वजह से मौजूद हूँ, अपने व्यूवर्स की वजह से मौजूद हूँ, अपने दोस्तों की वजह से मौजूद हूँ, जो लोग परेशान हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है, अपने घरों पर मौजूद हैं। मैं उन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों तक हकीकत पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि पानी के जो क्यूसिक में नो डाउट इजाफा हुआ है। मैं आपको एक और लोकेशन की तरफ लेके जाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। 2 दिन पहले की वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो आपको जो ये सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज नज़र आ रहा है और इसके नीचे जो इसके पिलर हैं, इन पिलर से तकरीबन 8 से 10 फीट का मैंने कहा था आपको। मगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त जो राइट जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, नो डाउट पानी के बहाव में इजाफा हुआ। देखें मैंने आपको सच दिखाना है, मैंने आपको सच बताना है, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। और यहाँ तक आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे इंकरेजमेंट मिलती है आप लोगों को कमेंट से, आप लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके अलावा मेरा यहाँ पे आने का मकसद आपको सच और हक वो दिखाना है, जो हकीकत है वो बताना है। पानी की शिद्दत में इस वक्त इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। मैं आपको कैमरे की आँख से जितना मुमकिन हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पिलर आप देख लें, ये ब्रिज के जो पिलर हैं, और 2 दिन पहले वाली वीडियो के देखें, झूठ बोलना जो है वो गैर मुनासिब है, झूठ बोल के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इस वक्त 1 सितंबर जुमेरात का दिन तकरीबन 4:30 का टाइम है 2022, मैं इस वक्त कोटरी बैराज में मौजूद हूँ। पानी की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, इस वक्त पानी का बहाव आप देख सकते हैं, मैं हल्फिया तौर पर कह सकता हूँ पानी का बहाव बढ़ा है। पानी इस वक्त ब्रिज के नीचे से तेज़ी से बह रहा है और ये समंदर बुर्ज हो रहा है। मगर एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि 2000 का जो फ्लड था, 2000 के फ्लड में, 2010 के जो फ्लड में, इससे ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर चुका है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स भी रहें, ज़्यादा पैनिक ना हो, यहाँ से इससे ज़्यादा पानी गुजर चुका है 2010 में जो कंडीशन थी। तो आप थोड़ा रिलैक्स रहें, पैनिक ना हो, अफवाहों पर कान ना धरें, सच्चाई और हकीकत जो है उस पर ज़रूर उसको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आप देखते रहें और अपनी महफूज जगहों पर या जहां पर आप लोग मौजूद हैं सेफ रहें। मैं आपको एक और लोकेशन पे लेके चलता हूं, फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको एक और जगह, एक और लोकेशन पे लेके चलता हूं, मगर इस वक्त कोटरी बैराज पर जो कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है, बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल सच, जो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा लतीफ़ाबाद, मेरा कासमाबाद, मेरा पूरा हैदराबाद, मुतादी इलाके जो जो मेंशन किए गए, देखें मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है आप लोगों ने आगे भी शेयर करनी है और लोग जो परेशान हैं वहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे ताकि उनको हकीकत का पता चल सके और वो हकीकत जान सकें। मेरे साथ रहिएगा। मंजर पॉइंट जामशोरो, ये सिचुएशन है, नो डाउट पानी पड़ा है। 2 दिन पहले जो मेरी फुटेज थी, 2 दिन पहले की फुटेज और आज की इस फुटेज में आप मुआवजा कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है। मैं डराना मकसूद नहीं है, मैं आपको हकीकत, आपको मैं सच दिखाना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो हकीकत है, 2 दिन पहले जो वीडियो थी और आज की जो फुटेज है, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। 1 सितंबर जुमेरात का दिन 2022
तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम है। इस वक्त अलमंजर जाम चोरो पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको पानी की पोजीशन दिखाना चाह रहा हूँ। ये पानी का बहाव, ये पानी का बहाव, नो डाउट पानी का बहाव बढ़ा है, पानी के क्यूसिक में इजाफा हुआ है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जो कंडीशन इस वक्त नार्दर्न एरियाज में है, बलोचिस्तान में है, केपीके में है, वैसी कोई कंडीशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करें। मैंने वहाँ पर ज़मीन पर दबी हुई लाशों को देखा है, मैंने वहाँ पर ज़मीन में दबी हुई मासूम बच्चों बच्चियों की लाशों को देखा है, मैंने वहाँ पर ऐसी विमेंस को देखा है जो प्रेगनेंसी के वक्त डिलीवरी हुई, उनकी जान चली गई, मगर अल्लाह ताला ने उनके बच्चों को बचाना था। मैंने वो बच्चे ज़मीन मिट्टी में से, समंदर की मिट्टी में से, जितनी मिट्टी वहाँ पर है उनमें से दबे हुए बच्चों को निकलते हुए देखा है। उस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें पैनिक नहीं होना, हमें रिलैक्स रहना है। डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। देखें, मुझे मेरे कई दोस्तों ने, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे प्यारों ने, मैं तो उनको अपना प्यारा कहूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि गलत बयानी से गुरेज करें। भाई, गलत बयानी नहीं है, किसी किस्म की गलत बयानी नहीं है। मैं बार बार डेट मेंशन कर रहा हूँ, पानी का बहाव बढ़ गया है। डेट मेंशन कर रहा हूँ, 1 सितंबर 2022 अलमंजर पॉइंट जाम छोरो, मैं इस वक्त यहाँ पर ब्रिज पर मौजूद हूँ। दरवाजे खोल दिए गए हैं जनाब। मैं आपको बता दूँ, पानी का बहाव 4 नंबर का जो बंद है, 4 नंबर के बंद को महफूज किया गया है वहाँ पे। एक और मैं बात आप लोगों से शेयर कर लूँ कि गवर्नमेंट के अदारों का क्या काम है। गवर्नमेंट के अदारों का जो काम है वो लोग करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने आवाम को महफूज मकामात की तरफ शिफ्ट करना है, वो लोग करते रहेंगे, वो उनका काम है। हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमने उनको अपना साथ देना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। वो इलाके जो नशेबी थे, वो दरिया के पुश्तों के करीब जो मामला थे, और इर्द गिर्द के गांव जो डूबने का अंदेशा था, उनको वार्निंग दे के, नोटिस दे के खाली करवाया गया। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ये हकीकत है, वो उनका काम है, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वो लोग करते रहेंगे। हमें क्या करना है? हमें उनका साथ देना है, हमें महफूज मकामात की तरफ खुद ही चले जाना है। क्योंकि इस वक्त कंडीशन देखें, मैं यहाँ पर कुछ और सोच के आया था। मैंने सोचा था कि पानी की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है कि पानी की शिद्दत में कमी आ गई हो, मगर मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पानी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, बहाव में इजाफा हुआ है। हमें पैनिक नहीं होना, हमें डरना नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, किसी किस्म की कोई बात नहीं है, किसी किस्म का कोई हरेस नहीं कर रहा, मैं किसी को हरेसमेंट में डालने की मेरी कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊँ, मगर मैं आप लोगों को एक सच, एक हकीकत बताता रहूँगा। आप लोगों की इनकरेजमेंट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, मुझे सपोर्ट, आप लोगों का प्यार इतना मिला है मुझे कि मैं मजबूर हो जाता हूँ लोकेशंस पर दोबारा जाने के लिए, आप लोगों को हक, आप लोगों को सच बताने के लिए। मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त राइट नाउ यहाँ पर मौजूद है। इस बात का जवाब अब आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है। आया कि मैंने गलत बयानी की है, आया कि कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, मैंने कोई हरेसमेंट फैलाई है, कुछ ऐसे मामलात हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पानी का बहाव आप नज़र आ रहा है आपको? आप मुझे 2 दिन की फुटेज देख लें आप, और उसके बाद देखने के बाद ये फुटेज देख लें, ये पानी का तेज़ बहाव, ये रेला, ये सैलाबी रेला जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त, ये समुंदर पर ज़रूर होगा, क्योंकि 2010 में इससे कई गुना ज़्यादा पानी जो है वो समंदर में गिरा है यहाँ से होते हुए, और अल्लाह पाक ने हमें तब भी महफूज किया, नुकसान हुए थे। आज भी हम लोग क्राइसिस में हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, मगर पैनिक नहीं होना। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। मैंने सच, मैंने हकीकत आप लोगों तक पहुँचानी है, मैं पहुँचाता रहूँगा। किसी किस्म का कोई मामला अगर सामने आता है तो मैं आपको बताऊँगा। 4 नंबर वाला बंद मजबूत है, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और मेरा पूरा हैदराबाद महफूज है, इस वक्त महफूज है। यहाँ से पानी का दबाव, पानी का बहाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बहाव इंशाल्लाह बह जाएगा और ये दबाव, ये रेला निकल जाएगा और समंदर पुर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिए और अल्लाह पाक के हजूर सजदा रेज हो के अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए। मुझ समेत अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना है इस वक्त पानी का बहाव कैसा है, ये रेले की स्पीड कितनी है। मेरे साथ रहिएगा। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर लुक आफ्टर करती है इंतज़ामिया, पब्लिक को यहाँ पे खड़ा नहीं होने दे रही, पब्लिक को यहाँ से निकाला जा रहा है, मीडिया को यहाँ से निकाला जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिवेट जो यहाँ पर मौजूद थे उनको यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि इस वक्त डेंजरस
बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मामला इस वक्त डेंजरस है, मगर हम लोग, मैं लतीफाबाद वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए भी एक बात मेंशन करता चलूँ, हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है। 10 नंबर जो 4 नंबर वाला जो है वो बंद है, जिस पे मेरी परसों की एक वीडियो है, व्लॉग मैंने बनाया था वो आप लोगों ने देखा, उस बंद को मजबूत कर दिया गया है। वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है, वहाँ पर पब्लिक को लुक आफ्टर जो कर रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को पैनिक नहीं होना, हम लोगों को हिम्मत रखनी है और इस बात को मद्देनज़र भी रखना है कि 2010 में इससे कई गुना ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर कर समंदर में गिरा है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है हम लोगों ने। अपना ख्याल रखिएगा, आप जितना मुमकिन हो सके अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और जितना आप सब लोगों से हो सकता है हेल्प आउट करें, जितनी भी मदद कर सकते हैं लोगों की, जहाँ पर नशेबी एरियाज़ में पानी गया है उधर तक पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, खाना पहुँचाएँ, मेडिकल की सहूलतें पहुँचाएँ, उनको पहनने के लिए कपड़ों का जो मामला है वो पहुँचाएँ, बच्चों के लिए चीज़ें पहुँचाएँ, उसके अलावा जितना भी आप लोग कर सकते हैं, जितनी आपकी बिसात है, जितनी आप मुमकिन है उतना आपको करना है। अल्लाह पाक भी राज़ी, अल्लाह के सोने प्यारे हबीब भी राज़ी और अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ पर जो कंडीशन है इस वक्त जो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बताने का मकसद ये है कि अपना ख्याल रखें। पानी का बहाव यहाँ पर मौजूद है, पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और 2 दिन पहले जो पानी था उससे कई गुना पानी बढ़ चुका है। यहाँ पर इस वक्त कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर खड़ा होना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो एहलकार यहाँ लुक आफ्टर करते हैं, वो लोग यहाँ से पब्लिक को हटा रहे हैं, क्योंकि अब ये डेंजर जोन की तरफ है। मैंने किसी को मकसूद डराना नहीं है, बताना पॉजिटिव और जो रिपोर्ट है, जो ऑथेंटिक मामला है वो आपको दिखा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, महफूज मकाम पर हैं तो महफूज रहें, जितना मुमकिन हो सकता है मेरी आवाज़ को, मेरी वीडियो को, मेरे इस व्लॉग को आप लोगों ने शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, फराज अहमद ऑफिशियल, फराज अहमद को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबका निगहबान।